साथियों नमस्कार, मैं शुभम तिवारी रिजल्ट गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों आज हम आपको इस वीडियो के बारे में बताएंगे कि भैया हम क्या बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बताने वाले हैं कि सीटेट में जो आपकी हिंदी पेडागोजी है उसमें हमें किस प्रकार के टॉपिक पढ़ना है कि आपकी हिंदी पेडागोजी में आपकी 15 में 15 नंबर आ जाए, और भैया हमें किस प्रकार की गद्यांश पद्यांश पढ़ना है, गद्यांश पद्यांश में हमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक पढ़ना है हिंदी व्याकरण के कि आपकी 15 में से 15 नंबर उसमें आ जाए, अर्थात आपके 30 में से 30 नंबर किस प्रकार से आएंगे, तो भैया हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले इधर आप देख पा रहे हैं, इधर लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा का सीटेट का पाठ्यक्रम, हिंदी भाषा का सीटेट का पाठ्यक्रम में आपका क्या है, तो इधर देखिएगा। सबसे पहले देखो हिंदी भाषा के सीटेट के पाठ्यक्रम में सबसे पहले आता है आपका समास आता है। देखो समास क्या होता है सभी को पता है, सभी इतना पढ़ के आए हैं, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। समास आपके 6 प्रकार के होते हैं, सभी को पता है, जैसे द्विगु समास हो गया, आपका द्वंद्व समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया, तत्पर समास हो गया, इस प्रकार आपके समास आते हैं। अब लेकिन बात आती है कि समास में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो पूछा जाता है कि समास में सर पंचवटी है, पंचवटी में कौन सा समास है, पूछा जाएगा कि राग के पुरुष में आपका कौन सा समास है, इस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। बात आती है कि संधि क्या है, संधि कितने प्रकार की है, तो संधि आपकी 3 प्रकार की है, आपकी स्वर संधि हो गई, आपकी व्यंजन संधि हो गई, और आपकी क्या होगी विसर्ग संधि होगी। तो भैया बात आती है स्वर संधियां कितने प्रकार की हैं, तो स्वर संधियां आपकी 5 प्रकार की हैं, आपको पता है। अब स्वर संधि में आता है जो दीर्घ संधि है, जो गुण संधि है, जो आपकी गद्धि संधि है, आपकी यण संधि है, अयादि संधि है, तो सीधी सी बात है अगर आपका छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर अगर बड़ा आ बन जाए या बड़ी ई आए आपका कहीं या बड़ा ऊ आए तो आपकी दीर्घ संधि होगी, ये आपको पता होगा। अब लेकिन बात आती है गुण संधि में क्या है, तो गुण संधि में अगर आपकी एक मात्रा आ गई या आपकी एक चोटी आ गई, एक मात्रा या एक चोटी अगर आ गई तो आपकी क्या होगी आपकी गुण संधि होगी। अब बात आती है कि सर वृद्धि संधि क्या है, तो वृद्धि संधि में इधर आपकी एक मात्रा है और वृद्धि संधि में आपकी हो गई 2 चोटियां आपकी आ जाती हैं वृद्धि संधि में, ठीक है। अगर 2 चोटी या 2 मात्रा हो गई तो आपकी वृद्धि संधि होगी, ये आपकी थोड़ी ट्रिक है पहचानने की। फिर बात आती है संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको। फिर बात आती है उपसर्ग और प्रत्यय, तो हमेशा शब्द के जो पूर्व में होता है वो आपका उपसर्ग होता है, और शब्द के जो अंत में होता है वो आपका प्रत्यय होता है, ये आपको पता है। फिर बात आती है कि तत्सम तद्भव क्या है, तो भैया तत्सम तद्भव है आपका जो संस्कृत के शब्द हैं वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं, जो हिंदी में प्रयुक्त किए गए हैं वो आपके तद्भव कहलाते हैं, ये आपको पता है। फिर बात आती है पर्यायवाची शब्द या विलोम शब्द, तो भैया पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो ये आपको पता होगा। तो भैया ये आपके गद्यांश पद्यांश हैं, गद्यांश पद्यांश आपके 15 नंबर के आते हैं। गद्यांश पद्यांश में ये आपके व्याकरण के टॉपिक हैं, ये पूछे जाते हैं। कभी कभी जो आपके गद्यांश पद्यांश हैं 1-2 नंबर के आपके प्रश्न आते हैं कि गद्यांश पद्यांश से संबंधित आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि जो आपकी हिंदी पेडागोजी है, तो हिंदी पेडागोजी में क्या है, तो सबसे पहले इधर देख पा रहे हैं आप अधिगम और अर्जन, तो अधिगम और अर्जन हमने आपको बताया है, आप जो आपके सीडीपी वाले सर हैं प्रमोद सर हैं उनने आपको बहुत अच्छे से बताया होगा कि अधिगम और अर्जन क्या होता है। अर्जन वो होता है जो आप वातावरण से सीखते हो, बाहर से सीखते हो, वो आपका हो गया अर्जन। अब भैया जो आप खुद से सीखते हो, आप याद करते हो, ठीक है, तो वो हो गया आपका अधिगम हो गया, तो ये टॉपिक हो गया। फिर बात आती है भाषा शिक्षण के सिद्धांत, तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत बहुत बार आते हैं, हमेशा 1 नंबर का प्रश्न आता है भाषा शिक्षण के सिद्धांत से। फिर है आपका भाषा शिक्षण की विधियां, तो भाषा शिक्षण की विधियां में जैसे आपकी आगमन विधि होगी, आपकी निगमन विधि होगी, आपकी व्याकरण अनुवाद विधि होगी, आपकी व्याख्या विधि होगी, इस प्रकार की विधियां आती हैं आपकी भाषा शिक्षण की विधि में, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि भैया उदाहरण किस विधि में आते हैं, नियम किस विधि में आते हैं, ठीक है, एक शब्द है उसको हमें विस्तृत तरीके से हमें समझाना है तो वो किस में आता है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फिर बात आती है कि भाषा कौशल, तो भाषा कौशल आपको पता है कि भैया भाषा कौशल आपके 4 होते हैं, सु बो पली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये हो गए आपके भाषा कौशल। अब बात आती है भैया मूल्यांकन, मूल्यांकन क्या है, अर्थात मूल्यों का अंकन क्या है, तो सभी को पता है भैया मूल्यांकन में है, सीधी सी बात है मूल्यांकन होता है कि आप का स्टूडेंट है उसका बाद में परीक्षा ले लो तो वो आपका मूल्यांकन हो गया। आपको पता है कि मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन, ये आपके
होते हैं, आपको इसकी जानकारी है। अब बात आती है कि उपचारात्मक शिक्षण क्या है, तो सीधी सी बात है, उपचारात्मक शिक्षण का मतलब होता है जो बालक में कमियां हैं उन कमियों का क्या करना है, उन कमियों का हमें निदान करना है, उन कमियों को हमें दूर करना है, वो हो गया आपका उपचारात्मक शिक्षण। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप बीमार हो गए, आपको फीवर आ गया, तो आप डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ने आपका ट्रीटमेंट कर दिया या उपचार कर दिया, वो आपका हो गया उपचारात्मक शिक्षण। अब बात आती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020, हमेशा दो प्रश्न आपके आए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर 2022 और 2023 में एग्जाम हुआ है, NEP 2020 से आपके प्रश्न आए हैं। अब बात आती है शिक्षण सहायक सामग्री, तो शिक्षण सहायक सामग्री आपकी दृश्य सामग्री हो गई, आपकी श्रव्य सामग्री हो गई, और आपकी दृश्य और श्रव्य आपकी ये सामग्री हो गई। तो ये है आपके हिंदी पेडागोजी के टॉपिक, और फिर उसके बाद आप इनकी क्या करिएगा, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस या आप अभ्यास कर लीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका टॉपिक मजबूत हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, आपको इतने टॉपिक अच्छे से पढ़ना है तो आपका क्या हो जाएगा, जो सीटेट में आप हिंदी में परेशान हो रहे हैं आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होगे। अब बात आती है कि भैया रिजल्ट गुरु क्या लेके आया है, तो रिजल्ट गुरु आपके साथ लेके आया है सीटेट स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आया है। अगर सीटेट स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर आप इनरोल करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, प्राइज मिलेगा। इसमें यह भी है कि केवल अगर 200 स्टूडेंट भी अगर एनरोल करते हैं तो 10% का आपको ऑफ मिलेगा, और अगर जो स्टूडेंट फर्स्ट नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है, तो फर्स्ट प्राइज है आपका कि उसको क्या मिलेगा, बैच बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, और सेकंड प्राइज में आपका बैच में आपकी 50% ऑफ रहेगा, और थर्ड प्राइज में बैच आपका 30% ऑफ मिल जाएगा। तो भैया देरी क्यों करना है, आपको जब इतना अच्छा शानदार ऑफर चल रहा है तो जरूर आइएगा, जरूर देखिएगा, जरूर समझिएगा, और रिजल्ट गुरु ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। जो भी अपडेट आएगी छोटी या बड़ी हो तो हम आपको रिजल्ट गुरु यूट्यूब चैनल पर जरूर बताएंगे। तो आपको कैसा लगा अपडेट, आप एक बार कमेंट के माध्यम से बताइएगा। थैंक यू साथियों, थैंक यू क्लास, बाय बाय।